तोरी की सब्ज़ी बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। और जिनको कम तेल मसाले की सब्ज़ी खाने के लिए बोला गया है उसके लिए ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी सब्ज़ी होती है। तो बस यहाँ पे 1 केजी हमने तोरी लिया है, बाकी तोरी को हमने कट कर लिया है और एक तोरी को रख दिया था आपको दिखाने के लिए। तो बिल्कुल हल्के हमको छिलके निकालने हैं, पूरा डीप हमें इसे पील नहीं करना है, ऊपर से जो है हल्के हल्के बिल्कुल छिलके अच्छे से निकाल लेना। और काटने के लिए तोरी को आप कैसे भी काट सकते हैं, इस तरह से लंबे भी काट सकते हैं और जिस तरह से मैंने गोल काट के रखा है आप वैसे भी काट सकते हैं। तो चलिए बनाना सब्ज़ी शुरू करते हैं। लेकिन उसको बनाने के लिए जो है यहाँ पर 2 हरी मिर्च है जिसको हमने इस तरह से काट लिया है, और साथ ही जो है 1 बड़ा प्याज है उसको लंबे हमने इस तरह से काट लिया है। ये सब्ज़ी हम बनाएंगे सरसों तेल में, जो करीब 1 छोटा चम्मच सरसों तेल लिया है, और उसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा जीरा डाल रहे हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही कम मसाले, इसमें मसाले पड़ते ही नहीं है, बिना मसाले की ये सब्ज़ी बनती है, बहुत खाने में टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। तो बस इसको बनाने के लिए यहाँ पे हरी मिर्च हमने डाल दिया, साथ ही जो है प्याज भी डाल देंगे, और प्याज को जो है हम अच्छे से भुनेंगे जब तक कि ये बिल्कुल भूरे ना हो जाए, ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि प्याज जो है अगर साथ ही साथ तोरी डाल देते तो प्याज कच्चापन जैसा दिखता है, अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है। प्याज देखिए भून चुका है बिल्कुल, और भूनने के बाद से जो है हम इसमें तोरी को ऐड कर देंगे। ये 1 किलो जो है तोरी है, और 1 किलो तोरी को जो है हम आज सब्ज़ी बना रहे हैं। तो बस इसको इसमें प्याज डालने के बाद से अब इसमें हम साथ ही साथ नमक डाल देंगे। अभी क्वांटिटी आपको देखने में ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये कुछ ही मिनटों में जो है इसकी क्वांटिटी बिल्कुल आधी हो जाएगी। साथ ही साथ थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद से जो है अब इसमें हम पानी या कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह अच्छे से हमें इसे चलाना है, और चलाने के बाद से इसे हमें ढक के रख देना है। ढक के इसे करीब 3 से 4 मिनट जो है हमें मीडियम लो फ्लेम पे रख देना है। देखेंगे कि अपने आप जो है तोरी के अंदर बहुत सारा जो है पानी आ जाता है। तो ये देखिए तोरी में बिल्कुल पानी छूट चुका है, और ये पानी जो है अभी अच्छे से तोरी थोड़ा और हमें पकाना है। तो इस तरह से चम्मच से हम अच्छे से इसे चलाएँगे और पानी जब तक सूख ना जाए थोड़ा सा इसे हम और पका लेंगे। तो 2-3 मिनट जो है इसे हम ढक कर फिर से जो है अच्छे से इसे हम पका लेंगे। 2-3 मिनट के बाद से जो है तोरी को हम फिर से निकालेंगे और ढक्कन निकाल के अच्छे से जो है हम इसे चला लेंगे। देखिए पानी बिल्कुल सूख चुका है, और बिल्कुल 5 मिनट में 7 मिनट में ये सब्ज़ी बनकर बिल्कुल हमारी तैयार हो चुकी है, जिसे आप रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं। तो है ना कितनी आसान सब्ज़ी और टेस्टी सब्ज़ी। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अच्छी वीडियो के साथ।